बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के पेपर के बारे में और इसका हल आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक यूनिवर्सिटी है, शायद ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है और चूंकि उसी में जो है 75 प्रश्न करने को लिए बोला जाता है 100 में से, तो ये 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं ये प्रश्न। इसीलिए हमने सोचा कि इस प्रश्न को आपको करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षा अभी लगी हुई है, तो 30 तारीख को परीक्षा लगी हुई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है ये। और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है लेक्चर, तो आप सभी लोग देखिएगा। आपको बता दें सबसे खास बात यह है कि बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो ये एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना परम आवश्यक होता है। आप अगर इसमें फेल हो जाते हो तो फिर एक प्रकार से आप सोचिए कि आपको दोबारा से एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको ये करना ही पड़ेगा, अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ओके, पेपर का नाम क्या है? फूड माने आहार, न्यूट्रिशन माने होता है पोषण, ठीक है, और हाइजीन माने होता है सुरक्षा। तो क्या मतलब हुआ? आहार यानी कि खाद्य, जिसको बोल सकते हो खाद्य पोषण एवं सुरक्षा, ओके, या आहार पोषण एवं सुरक्षा, जो भी आप बोलना उचित समझे। ये पेपर शायद मेरे ख्याल से कानपुर विश्वविद्यालय का होगा, क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय में ही बात की जाए तो 75 प्रश्न करने के लिए बोला जाता है। तो चाहे जिस भी विश्वविद्यालय का पेपर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस यही, इसीलिए हमने सोचा कि इसको हल करवा दिया जाए। तो 100 ऑब्जेक्टिव पैक के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ओके, समय आपको 1.5 घंटे आपकी परीक्षा में भी दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके? 100 के रहेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको ये इन प्रश्नों को जरूर देख लेना। और इससे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे मॉडल पेपर हमने फूड न्यूट्रिशन का, हाइजीन का, इन सभी का दे दिया है, हेल्थ एंड केयर, हाइजीन, इन सभी का, तो उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वो सभी आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के हैं, बस उस पर जो है थंबनेल में न्यूट्रिशन मतलब कि हेल्थ एंड केयर लिखा हुआ, उसका मतलब भी सुरक्षा ही होता, तो उसके बारे में भी हमने बताया, तो वो भी प्रश्न आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखेंगे। निर्देश कुछ दिए गए थे यहाँ पर कि प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न दिए गए थे, परीक्षार्थियों को किन्हीं जो है 75 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ओके, ये बात ध्यान बताई गई थी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आप 100 प्रश्न कर लेते हो तो शुरुआत के ही 75 प्रश्नों के अंक को देखा, मतलब कि प्रश्नों को चेक करके ही अंक आपको दिया जाएगा, इस प्रकार से इसमें कुछ बात लिखी गई थी। अब चलिए शेष निर्देश जो है अंतिम पृष्ठ पर आपके लिखे हुए थे, हालांकि चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न कैसा पूछा गया था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपका प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिए छपा हुआ था। ओके, चलिए कितने लोग जुड़ चुके हो भाई? सभी लोग फटाफट से, जितने भी लोग जुड़ चुके हो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा सा आवाज में मेरी नरमी है चूंकि, इसलिए क्योंकि बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूँ तो थका लगती है, एक प्रकार से कहते नहीं कि यहाँ थकावट लग चुकी है, तो अवधी भाषा में उसको थका कहते हैं। तो मुझे भाई इस समय से सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड हूँ, अर्थात बहुत ज़्यादा थकावट है। तो आइए हम देखते हैं, हालांकि आवाज़ तो आप तक क्लियर पहुँच ही रही होगी, अगर नहीं पहुँच रही तो आप बताएं, मैं थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी और भी अच्छी करूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन पहुँच रही होगी जाहिर सी बात है। पहला प्रश्न क्या है भाई कि मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूँगा, हिंदी में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो आप लोग अंग्रेजी वाला देख लीजिएगा, अंग्रेजी वालों, ठीक है। देखेंगे प्रश्न क्या है पहला कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सभी को पता होगा क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का क्या होता है भाई, सबसे अच्छा स्रोत होता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि संतुलित आहार प्रभावित होता है। संतुलित आहार किससे प्रभावित होता है भाई? तो शारीरिक क्रियात्मकता से भी प्रभावित होता है, आयु से भी होता है, स्वास्थ्य से भी होता है, अर्थात इन सभी से होता है। उपयुक्त डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आ चुका है, संपूर्ण आहार है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, प्रश्न क्या है तीसरा नंबर कि संपूर्ण आहार है, कंप्लीट फूड इज। तो संपूर्ण आहार क्या होती है भाई? तो ये दूध जो होता है यही, इसी को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चे कुछ और नहीं खाते हैं तो अगर वो दूध खाते हैं तो मतलब कि दूध पीते हैं तो उनका काम चल जाता है, तो ये संपूर्ण आहार है। ओके, कंप्लीट फूड इज मिल्क। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में कुपोषण के कारण है। भारत में कुपोषण के क्या कारण क्या भाई? गरीबी से भी यहाँ पर कुपोषण होता है। ओके,
और साथ ही साथ आपको बता दें तो मिलावट से भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कुपोषण होता है, कुछ आदतें होती हैं उनके कारण से भी होता है। तो ऑप्शन इसका डी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, चौथे का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा आपका, डी नंबर। ओके, अगला प्रश्न पाँचवा नंबर, पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा भाई, आलू है, गेहूं है, अंडा है या फिर गन्ना है। तो कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत है बात की जाए तो क्या होगा भाई, जो है आपका अंडा जो होगा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है। क्या अंडा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, कौन सा है कि रक्त का थक्का जो है जमने में उपयोगी विटामिन है, रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन कौन सा भाई। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। तो रक्त का थक्का विटामिन के कमी से जो है बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे विटामिन के अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में तो आपका रक्त का थक्का सही तरीके से जमेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न क्या है, उपचारात्मक प्रश्न क्या है, उपचारात्मक आहार है, उपचारात्मक आहार क्या है भाई। तो बच्चों को दिया जाने वाला आहार नहीं है बिल्कुल भी, रोगी को दिया जाने वाले आहार को हम उपचारात्मक आहार कहते हैं, मॉडल पेपर हमने कई बार बताया था। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर प्रश्न आए थे मॉडल पेपर से, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को पता होगा रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नौवां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, नौवां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कुपोषण का क्या अर्थ होता है, कुपोषण का मतलब क्या होता है भाई, अल्प पोषण। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कुपोषण माने क्या होता है, अल्प पोषण। ओके, ध्यान रखें कुपोषण का अर्थ क्या होता है, अल्प पोषण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दसवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, स्टार्च अधिकतम पाया जाता है, स्टार्च अधिकतम किस में पाया जाता है भाई। तो स्टार्च की बात की जाए तो स्टार्च जो होता है अधिकतम चावल में पाया जाता है स्टार्च, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्यारह नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, ग्यारहवां नंबर प्रश्न क्या है कि किस पोषक तत्व के क्या किस पोषक तत्व के शरीर जो है निर्माणक जो है निमनात्मक कार्य होते हैं, मतलब किस पोषक तत्व के लिए के शरीर निमात्मक मतलब कि बॉडी बिल्डर करने का जो विटामिन है वो कौन मतलब कि पोषक तत्व कौन सा होता है। लिखा है कि जो है व्हिच न्यूट्रिएंट्स हैज बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस, तो कहने का मतलब ये है क्या कि अर्थात सारी बॉडी बिल्डिंग में कौन सा इनमें से सॉरी कार्य करता है, ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य करता है, किस पोषक तत्व के शरीर निमात्मक मतलब कि जो बॉडी बिल्डिंग में कार्य करता है कौन सा कार्य करता है, जिंक कार्य करता है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन, कौन कार्य करता है भाई, तो कौन कार्य करता है इसमें, तो बिल्कुल सही है प्रोटीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बारहवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, लैक्टोज उपस्थित होता है, बिल्कुल दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इसीलिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करके हम लोग उसके लैक्टोज को नापते हैं और क्या करते हैं जो है उसकी फैट को पता लगा लेते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है आपका कि 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, तो कितनी करती है भाई, 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, 1 ग्राम वसा जो होती है हमको 9.1 के समथिंग में जो है हमको कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है किसके लिए, भोजन की गुणवत्ता के लिए या मेन्यू में बदलाव के लिए या पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए। तो भोजन की गुणवत्ता के लिए आहार नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए भी होगा, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसीलिए डी लग जाएगा इसका बिल्कुल बिना देखे। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न क्या है कि आयोडीन का स्रोत है, आयोडीन का स्रोत क्या भी, आयोडीन का स्रोत क्या है, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, आयोडीन का स्रोत बिल्कुल नमक है लेकिन और तमाम सारे दूध भी है आयोडीन का स्रोत। ओके, ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 16वां नंबर प्रश्न क्या है, 16वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, शरीर में लौह लवण कार्य है, लौह लवण का कार्य है, शरीर में लौह लवण का क्या कार्य होता है भाई। 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल लाल रक्त कणों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत क्या है भाई, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत दालें होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, अधिकतर जो एंजाइम होते हैं किससे बने हुए होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं किससे बने हुए होते हैं भाई, अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, बिल्कुल 18 का ए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, फिश इज गुड सोर्स ऑफ मतलब कि मछली एक अच्छा स्रोत है किसका,
लकी अमीनो अम्ल का या ओमेगा थ्री वसी अम्ल का या खनिज लवण का या इन सभी का। तो मछली एक अच्छा स्रोत किसका है भाई, 19 का। तो बिल्कुल अमीनो अम्ल का जो है ये मछली अच्छा एक स्रोत है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। हमने बताया था आपको एक ट्रिक कीड़ा, हमने क्या बताया था कीड़ा। तो जब कीड़ा कीड़ा जो होता है वो क्या होता है, कीड़ा वसा में घुलता है जल में नहीं घुलता है। तो विटामिन के ई और डी और ए ये वसा में घुलनशील है, बाकी बाकी जल में घुलनशील है। तो इसमें देखेंगे जो बी बच रहा है, बी नहीं है, तो बी वसा मतलब वसा में घुलनशील अर्थात जल में घुलनशील विटामिन जो है सॉरी जल में जो बी विटामिन बी है ये जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए विटामिन डी और विटामिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है के, ये सब किस में है, ये सब वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एग्जाम्स में आ सकता है प्रश्न जो है 21 नंबर की हरी सब्जियां होती हैं। 21 नंबर प्रश्न है हरी सब्जियां होती हैं तो रक्षात्मक भोज पदार्थ होती हैं। ओके ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, दैनिक आहार आधारित होना चाहिए। दैनिक आधार आधारित होना चाहिए किस पर भाई, तो जो है भोज समूहों पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। ओके अगला प्रश्न आपके समक्ष है 23 नंबर, 23 नंबर प्रश्न है कि अनाज एक अच्छा स्रोत है, अनाज एक अच्छा स्रोत है किसका भाई, तो खनिज लवण का जो है अनाज एक अच्छा स्रोत होता है। अनाज एक अच्छा स्रोत किसका होता है, खनिज लवण का अनाज जो होता है एक अच्छा स्रोत होता है। ओके मिनरल्स का आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है संतृप्त वसीय अम्ल है, संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है भाई। तो इनमें से मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपका ये उपरोक्त सभी होना चाहिए। ओके बाकी आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, कौन एक विटामिन नहीं है, कौन एक विटामिन नहीं भाई, 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन एक विटामिन नहीं, तो सोडियम जो है एक विटामिन नहीं, एक धातु है। ओके ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। जबकि नियासिन और रिबोफ्लेविन मतलब राइबोफ्लेविन और थायमिन ये विटामिन है। ओके विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो सकता है, कमजोरी मोटापा मधुमेह या फिर दंत क्षरण क्या हो सकता है। तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी शरीर में, तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके 26 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 27 नंबर प्रश्न है, टेकोफेराल है, टेकोफेराल क्या है, तो टेकोफेराल क्या है भाई, तो टेकोफेराल जो है वो विटामिन ई का नाम है, क्या है, विटामिन ई का नाम है टेकोफेराल। ओके तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, विटामिन ई का ही रासायनिक नाम है टेकोफेराल। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विटामिन सी उपस्थित नहीं है, विटामिन सी किसमें उपस्थित नहीं होता है, जो है आपका 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन जो सी होता है वो दूध में उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, नियासिन की कमी से कौन सा होता है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पेलाग्रा रोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है किसमें, गेहूं में आलू में अंडे में चीनी में। तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में होता है, आलू में भी होता है, अंडे में भी होता है, चीनी में भी होता है, लेकिन बात की जाए कार्बोहाइड्रेट नगण्य की तो किसमें होता है भाई, तो किसमें होता है ये नगण्य, तो आप मान सकते हैं अंडे में जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो यही नगण्य आप लगा सकते हो, बाकी तो गेहूँ में आलू में चीनी में तो खूब पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साधारण शर्करा है, साधारण शर्करा कौन सी भाई, 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सुक्रोज और फ्रक्टोज लैक्टोज ये क्या है, साधारण शर्करा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, आवश्यक अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा भाई, 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आवश्यक अमीनो अम्ल जो है कौन सी है, लाइसिन, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की, आवर फूड डज नॉट जो है डिपेंडेड ऑन, अर्थात हमारा भोजन निर्भर नहीं है, हमारा भोजन किस पर निर्भर नहीं, प्रकृति पर निर्भर है, धन पर निर्भर है, आयु पर निर्भर है, संस्कृति पर निर्भर नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 का बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न क्या है कि शरीर में जल का कार्य क्या होता है, शरीर में जल का कार्य है, शरीर में जल का क्या कार्य होता है, तो यह घोलक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल, यह शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखता है, बिल्कुल, और यह निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन भी करता है, तो दैट इज जो है
डी आंसर जो है सही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, सारी बातें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताने का प्रयास करें फटाफट से। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जो है उत्तर साथ ही साथ देते चलो। ओके, अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। हरी जो है पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग जो होता है किसके कारण से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया था 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आया था, क्या आया था भाई पेपर में प्रश्न क्या आया था? 36 नंबर प्रश्न आया था कि शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है, शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती, किसके ऊपर निर्भर नहीं करती भाई? तो ये संस्कृति के ऊपर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर क्या प्रश्न है कि विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है। विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सहायक है किसके? अस्थियों के विकास में। किसके? अस्थियों के विकास में। इसीलिए विटामिन डी बच्चों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दमा का कारण क्या है? दमा का कारण क्या है भाई? दमा का कारण क्या होता है? अगर दमा किससे होती है? खास करके वायु प्रदूषण से होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है, हमारे शरीर को संतुलित आहार कैसा नहीं बनाता है? तो मोटा नहीं बनाता है, बाकी रोग मुक्त बनाता है, स्वस्थ बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में कि शरीर में घुलनशील लेसे का क्या कार्य है? शरीर में घुलनशील लेसे का क्या कार्य है? 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। शरीर में घुलनशील लेसे का क्या कार्य है? यह तीव्र गति से पाचन में सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि विटामिन ए है, विटामिन ए है भाई। 41 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। विटामिन ए है, क्या है विटामिन ए? तो वसा में घुलनशील है विटामिन ए। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। वसा की रेन जो है रेंसिडिटी है, वसा की रेंसिडिटी क्या है भाई 42 नंबर का? तो वसा की रेंसिडिटी क्या है कि हवा से का मतलब कि हवा से वसा का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 43 नंबर प्रश्न क्या है भाई कि संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है, संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण क्या है भाई? तो संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण क्या होता है? 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए, लेकिन अब मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी आपको जैसा भी पता हो बताने का प्रयास करें। वैसे जो है प्रोलोमीन पर भी मेरा कुछ जाता है, तो आप संतृप्त जो है संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण बताएं। अब जैसा भी आपको लगता है आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है। कैलोरी मिति है, कैलोरी मिति क्या है भाई? तो कैलोरी मिति जो होती है ऊर्जा को मापने का, ऊष्मा को मापने का यंत्र होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट होता है। ठीक है, अगला है आपके समक्ष भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? 45 नंबर प्रश्न है कि वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं भाई? तो वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? अमीनो एसिड बनते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो 46 नंबर प्रश्न है कि ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है, ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है भाई? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग इसको देखिएगा, जब पता होगा बता दीजिएगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ढूंढ पाऊँ। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष, चूंकि आप लोगों के चक्कर में मैं बिजी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह सब अपनी छोड़ करके आप लोगों के लिए लगातार भिड़ा हुआ हूँ। आप देख रही रहे होगी यूट्यूब पर इस समय किस तरीके से आपके समक्ष मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो और हर चीज़ का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप देख रहे हो लगातार ना, तो इसमें टाइम नहीं बचता, पूरा का पूरा दिन लग जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम इकट्ठा करने में, हर एक चीज़ करने में। आप देखते होंगे अलग अलग तरीके से मॉडल पेपर सेट करना रहता है, उसको हैंड राइटिंग से मैं खुद लिखता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो ये बात है। ओके, अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न क्या है? 47 नंबर प्रश्न है कि मोटापे का क्या जो है मतलब मोटापे का कारण क्या नहीं है? प्रश्न क्या है भाई कि मोटापे का कारण क्या नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 47 नंबर, मोटापे का कारण क्या नहीं है? 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, धर्म जो होता है इस मोटापे से कोई मतलब नहीं होता। अगला प्रश्न 48 नंबर, 48 नंबर प्रश्न क्या है कि क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है? क्या क्या जो है इनमें से शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण है? रोशनी बिल्कुल भी नहीं, हवा ताप ये शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण इतना नहीं होता है, जल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है कि शरीर में क्या प्रश्न है? शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो दांत कमजोर हो जाते हैं, क्या भाई? दांत कमजोर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 50 नंबर, वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्या होती है? वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कैसी होती है भाई? बिल्कुल बढ़ जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है WHO का पूरा नाम। 51 नंबर प्रश्न क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है एग्जाम्स में, और WHO का तो आएगा एकदम कन्फर्म है, और मुख्यालय वगैरह देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है संतुलित आहार के अवयव हैं, संतुलित आहार के अवयव कौन से हो गए भाई, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट व वसा विटामिन व खनिज लवण, ये सब के सब संतुलित आहार के ही अवयव हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए जो है अनावश्यक है, कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है, 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल तला हुआ भोजन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है, क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है, 54 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल, रहन सहन का स्तर जो होता है ये आहार नियोजन का चरण नहीं है, बाकी ये तीन के तीन तो ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण है, ओके ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष देख रहे हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 55 नंबर देखेंगे, 55 नंबर प्रश्न क्या है कि आहार नियोजन है, आहार नियोजन क्या है, एक संस्थान है या भोज समूह है या एक कला है या एक रचना है, भाई ये एक कला होता है जो कि गृहिणी के अंदर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है क्या भोजन से प्राप्त होता है, क्या भोजन से प्राप्त होता है, भूख प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्रियाएं या हार्मोन्स, बिल्कुल ऊर्जा प्रदान होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा का मापन क्या आता है, किसके द्वारा ऊर्जा का मापन किसके द्वारा क्या आता है भाई, तो कैलोरी मीटर के द्वारा ऊर्जा का मापन क्या आता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि खाने से पहले भोजन को भली भांति, खाने से पहले भोजन को भली भांति मसलना चाहिए, चबाना चाहिए, बिल्कुल चबाना चाहिए भोजन को पहले, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष जो है 69 नंबर प्रश्न क्या है, 59 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि मानसिक कार्य करने वाले, क्या प्रश्न है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है कितनी, अधिक की कम या पौष्टिक या बराबर, तो बिल्कुल मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता अधिक भी होती है, कितनी होती है, अधिक होती है या पौष्टिक आप लगा सकते हो, पौष्टिक कैलोरी, लेकिन पौष्टिक कहना उचित होगा, अधिक ही लगाइए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई कि क्वासियोरकर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी किसके द्वारा, तो मतलब कि कब की गई थी, तो 1933 में ही की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी है, क्वासियोरकर जो खोज है। 60 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, ओके 1933। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है, सोडियम का एक उत्तम स्रोत कौन सा है, तो बिल्कुल NaCl नमक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें, तो गर्भावस्था में किस तत्व की मांग बढ़ जाती है भाई, तो कैलोरीज की भी मांग बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी मांग बढ़ जाती है, कैल्शियम और लौह तत्व की भी मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी सभी की। अगला प्रश्न आपके समक्ष गर्भावस्था की जटिलता है, 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था की क्या जटिलता है, अपरिपक्व जन्म, बिल्कुल विषाक्तता, रक्तहीनता, ये सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 64 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि गर्भावस्था में प्री जो है एक्लम्पिस मतलब कि एक्लम्पसिया होने पर आहार में क्या होता है भाई, ये मुझे एकदम से एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं बताना चाहूँगा, तो आप लोग अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ताकि लोगों का भला हो सकता है। अगला प्रश्न 65 नंबर देखेंगे, प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग, गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग पहले से क्या करनी चाहिए, लगभग 400 बढ़ा दी जाती है, पहले से 400 बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, पहले 2100 दी जाती है, उसके बाद में 2500 कैलोरी दी जाती है, एक सामान्य स्त्री को प्रतिदिन जो है बात की जाए तो 1900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं बात की जाए गर्भवती स्त्री को तो 400 कैलोरी वृद्धि करके 2500 कैलोरी एक दिन में उसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 66 नंबर प्रश्न क्या है कि शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है, दूध के अतिरिक्त शिशु को हम क्या आहार दे सकते हैं, तरल आहार कोई भी खिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 67 नंबर प्रश्न है कि बीनिंग का प्रारंभ करना चाहिए, बीनिंग का प्रारंभ जो है जन्म के लेकर के बच्चे का अगर 6 महीने का हो जाता है तो उसको कुछ दूध के अलावा कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है,
तो किसके लिए होती है? ऊर्जा के लिए, लोगों से बचाव के लिए, मजबूत दांत व अस्थियों के लिए। बिल्कुल मजबूत दांत और अस्थियों के लिए उनको कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है बच्चों को। अगला प्रश्न आपके समक्ष 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है कि भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए। बिल्कुल एक बार गर्म करना चाहिए, 2 बार या फिर 3 बार दोबारा गर्म ही नहीं करना चाहिए। तो भोजन को लगभग अगर आप एक आध बार गर्म कर लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चल जाएगा काम। तो एक बार अगर आप लिख देंगे करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर भोजन को आप ना ही गर्म करें तो चलेगा, दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए भोजन को, मतलब कि दोबारा गर्म करके खाना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा होता तो आप लगा देते, लेकिन भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए। एक बार अगर आप गर्म कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोबारा गर्म ही नहीं करना चाहिए, ताज़े भोजन खाना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष, अब जो भी उसमें लगाना चाहे उचित, अब वो सब पूरक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम से इसलिए पूछ जाते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं, चूंकि एक आध दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि आपको भी नहीं पता होंगे, हमको भी नहीं पता होंगे, ताकि आप पूरा का पूरा नंबर ना पाए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 70 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे आप कि चावल में पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है भाई? चावल में क्या पाया जाता है? चावल में विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है 71 नंबर, फूड शुड बी कुकड, अर्थात भोजन को पकाना चाहिए जो है खुले बर्तन में या फिर ढके बर्तन में। तो बिल्कुल ढके बर्तन में भोजन को पकाना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है, हरी सब्जियों को धो मतलब कि धोना चाहिए काटने से पहले। बिल्कुल हरी सब्जियों को अगर हम काटने से पहले धो देंगे तो सही रहेगा। अगर काटने के बाद आप हरी सब्जियों को धोएंगे या फिर किसी भी सब्जी को आप अगर काटने के बाद धो लेंगे तो उसका जो विटामिन होगा, उसका जो पौष्टिक तत्व तो होगा, वो सब क्या हो जाएगा? बह जाएगा पानी के साथ। अगला प्रश्न आप इसीलिए काटने से पहले सब्जी को धुल लें अच्छे तरीके से मसल की। 73 नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 73 करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन कितनी बढ़ानी चाहिए? सामान्य से लगभग 2 गुनी अगर हो जाए तो ठीक हो गए, चल जाएगा काम। अगला प्रश्न है, वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से बताया है तो आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि 2 गुना ज़्यादा मेरे हिसाब से लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 64 मतलब कि 74 नंबर प्रश्न है कि अतिसार के क्या कारण है? अतिसार जो रोग होता है इसका क्या कारण होता है? 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऊपर सभी संक्रमण, अस्वच्छ भोजन, रासायनिक पदार्थ, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न क्या है? 75 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए भाई? तो कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? कम रेशायुक्त या अधिक रेशायुक्त या अधिक वसायुक्त या फिर प्रोटीन आहार। तो कब्ज में बात की जाए 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कब्ज में कैसा आहार होना चाहिए? कब्ज में कैसा आहार होना चाहिए भाई? तो कब्ज में आपका अधिक रेशे युक्त जो है आहार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न क्या है कि मधुमेह का जो है क्या कारण नहीं है? मधुमेह का क्या कारण नहीं है? फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। मधुमेह का जो है क्या कारण नहीं है, आप देखेंगे, अंग्रेजी वालों भी देख लीजिएगा। तो मधुमेह का क्या कारण नहीं है? अनुवांशिकता, तनाव, मोटापा या सामाजिक नियम। तो भाई मधुमेह का अनुवांशिकता हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, तो यही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सार्वजनिक नियम। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि मधुमेह में किसका जो है स्राव कम होता है? मधुमेह में जो होता है किसका स्राव कम होता है? 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मधुमेह की बात की जाए तो मधुमेह में इंसुलिन जो होता है इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की, मतलब इसका स्राव कम हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 77 का। अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर, मधुमेह में रक्त रक्त शर्करा का स्तर क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, सॉरी सी करेक्ट होगा। ओके, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 79 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए। टाइफाइड के रोगी को क्या नहीं देना चाहिए भाई? मसालेदार सब्जियां नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, और भी तली भुनी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कि मधुमेह रोग का लक्षण है। प्रश्न क्या है कि मधुमेह रोग का लक्षण क्या है? तो मधुमेह रोग का लक्षण क्या है? 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मधुमेह रोग के लक्षण ये क्या है? ये सभी लक्षण होते हैं, अधिक भूख व प्यास लगना, वजन घटना, ये सब। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है भाई? समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग कौन सा? तो बिल्कुल खसरा रोग होता है, आपसे नंबर इसका सही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है कि क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है? क्या उक्त मतलब कि उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है? तो
क्या नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी करेक्ट होगा, बुखार। अगला प्रश्न आपके समक्ष 83 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या उच्च रक्तचाप, प्रश्न क्या है प्रश्न आपके समक्ष 83 नंबर, कि क्या उच्च रक्तचाप का एक उदाहरण है, क्या उच्च रक्तचाप का एक उदाहरण है भाई, धूम्रपान एवं शराब के जो है कारण जो क्या होता है, उच्च रक्तपात मतलब कि चाप होता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कि उच्च रक्तचाप लक्षण है, उच्च रक्तचाप लक्षण किसका है भाई, तो ये हृदय रोग का एक लक्षण है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं, 85 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ क्या होते हैं भाई, तो प्रयुक्त सभी दूध अंडा हरी सब्जियां फल, ये सब आपकी क्या बढ़ती है भाई, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रतिरक्षा भी बढ़ाती है, रोगों से लड़ने में रक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, कि पृथ्वी मतलब कि सॉरी शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बढ़ाने के लिए हमें कम पानी पीना चाहिए, या वजन बढ़ाना चाहिए, वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, विटामिन सी से परहेज करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपका सी इज राइट आंसर होना चाहिए, वजन पर अपने नियंत्रण रखेंगे तब जो है आपका क्या हो जाएगा, रोग मतलब की प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। ओके अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 87 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न क्या है, कि रोग में आहार होना चाहिए, रोग में आहार क्या होना चाहिए भाई, रोग में विशिष्ट आहार का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई 89 नंबर प्रश्न क्या है, कि मधुमेह रोगी द्वारा किया जाने वाले वाला दूध होना चाहिए, मधुमेह रोगी के द्वारा लिया जाने वाला दूध होना चाहिए कैसा, वसा के रहित बिल्कुल बिना फैट के दूध, यानी कि वसा रहित दूध होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न क्या है, उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है, उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है, 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य की स्थिति में उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है, रोगियों में दिया जाता है, अतिसार में, मोटापे में, ज्वर में, इन सभी में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, कि जल दूषित से होने वाला रोग कौन सा है, बिल्कुल हैजा है, जल दूषित से क्या होता है भाई, हैजा होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, 92 नंबर प्रश्न क्या है, कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या था, फटाफट से बताने का प्रयास करें, ईसीजी का फुल फॉर्म 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, फटाफट से ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ, तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष 93 नंबर प्रश्न क्या है, 93 नंबर प्रश्न दिया गया था आपके परीक्षा में, कि निर्जलीकरण का कारण है, निर्जलीकरण का क्या कारण है, 93 नंबर प्रश्न, निर्जलीकरण का क्या कारण है भाई, तो मधुमेह जो होता है निर्जलीकरण का कारण है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। वैसे अतिसार और हैजा होना चाहिए क्या, बिल्कुल निर्जलीकरण का कारण क्या होता है भाई, हैजा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, सब होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा 94 नंबर प्रश्न क्या है, 94 नंबर प्रश्न है आपका, कि सामान्य जो है फास्टिंग, सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए, सामान्य फास्टिंग पर शुगर जो है, जो ब्लड शुगर कितना आ रहा है तो ठीक ठाक माना जाएगा, 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 70 से 110 जो है एम जी बटे क्या लिखा, डीएल। ओके ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष जो है 95 नंबर प्रश्न क्या है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, 96 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, 96 नंबर प्रश्न क्या है भाई, 96 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न क्या है, 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। ओके बड़ी तेजी से हमने आपको सारे के सारे प्रश्नों को बता दिया, निश्चित तौर पर अभी आधे घंटे हुए होंगे और उसमें हमने सारे के सारे प्रश्नों को लगभग समाप्त कर लिया है। देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 96 नंबर प्रश्न कह रहा है, कि भारत में यूनिसेफ के स्वास्थ्य सेवाएं मतलब कि यूनिसेफ की स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, भारत में यूनिसेफ की स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं, यूनिसेफ क्या करता है,
यूनिसेफ जो करता है, ये क्या करता है भाई? तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपंग बच्चों की सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 99 मतलब कि एक प्रकार से जो है 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, मतलब किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर तो इसमें दिया नहीं, 1918 में हुई थी, उसके बाद में 1958 में हुई थी, लेकिन 1959 दिख रहा, तो आप यही लगाइएगा ये ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 98 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में क्या है, कियर के कार्यों के क्षेत्र हैं, क्या कियर के कार्यों के क्षेत्र हैं जो है भारत में? अगला प्रश्न आपके समक्ष 98 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में कियर के कार्यों के क्षेत्र हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में कियर के जो है कार्यों के क्षेत्र कौन से हैं भाई? तो कियर क्या करता है यहाँ पर? तो क्या करता है भाई, हमने बता दिया कि पोषण, चिकित्सा, साक्षरता सब करवाता है। ओके, पोषण मतलब ये कार्यों का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि अत्यधिक कमजोरी से कौन सा मतलब कि कौन कौन सा रोग हो सकता है? क्या अत्यधिक कमजोरी से कौन कौन सा रोग हो सकता है भाई? 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अत्यधिक कमजोरी से क्या होता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, अगला प्रश्न और 100वां नंबर लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का प्रश्न क्या है कि मधुमेह संबंधित है, मधुमेह संबंधित जो है किससे संबंधित रोग है भाई? मधुमेह जो है आपका ये जो है पाचन चयापचय संबंधित है, आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, चयापचय से। 100 नंबर का क्लियर हो गया पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका, सारा का सारा प्रश्न ने आपको हल करवा दिया। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपका सब पूरा क्लियर हो गया। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मॉडल पेपर हमने लगभग 5-6 मॉडल पेपर आपको दे दिए हैं, 6 वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा उसको, आपका काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।